तो जैसे कि वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया, आज इस वीडियो में अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ सीगेट ब्रांड का बैकअप प्लस पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जिसका है मेरे पास 4 TB स्टोरेज वाला वेरिएंट। और ये वाला जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है सपोर्ट करता है मैक और विंडोज दोनों ही OS पर चलने वाले PCs और लैपटॉप्स को। इसके अलावा और क्या खास है इस हार्ड ड्राइव के अंदर, कितनी क्या स्पीड मिल जाती है, वो सब चेक करने वाले इस वीडियो में। तो वह सीगेट बैकअप प्लस पोर्टेबल हार्ड ड्राइव आती है कुछ इस तरह के बॉक्स में। यहाँ पर मेरे पास 4 TB स्टोरेज वाला वेरिएंट, और अभी के लिए हार्ड ड्राइव के साथ में $50 का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है माइलियो ऐप का। इसके अलावा 4 मंथ की मेंबरशिप मिल रही है एडोबी क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान की। और इस तरफ यहाँ पर दिया हुआ है कंफर्टेबल रहती है विंडोज और मैक दोनों के लिए ही। और पीछे की तरफ भी यहाँ पर हार्ड ड्राइव का पिक्चर, स्मॉल ड्राइव, मैसिव स्टोरेज फॉर विंडोज एंड मैक दिया हुआ है। और यही बात यहाँ पर और भी काफी सारी लैंग्वेज में बार बार दी हुई है, तो मुझे लगता है बॉक्स पैकेजिंग ग्लोबल है। बाकी यहाँ पर जो स्टिकर है इसके ऊपर दिए हुए हैं इंपोर्टेड मार्केट ब्रैकेटेड कंट्री ऑफ ऑरिजिन है चाइना या फिर थाईलैंड। MRP है 11,999, मतलब कि 12,000, लेकिन रेगुलर प्राइस में ये 7,000 रुपए के अप्रॉक्स मिलता है। बाकी बेस्ट वाली लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जहाँ से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तब के लिए क्या प्राइस है, और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अभी के लिए फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रखा हुआ मिल जाता है अपना मेन प्रोडक्ट, साथ में यहाँ पर मिल जाता है कुछ और सामान जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यूजर गाइड, माइलो वगैरह का जो सब्सक्रिप्शन है उसके डिटेल वगैरह, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन वगैरह। साथ में यहाँ पर मिल जाती है एक USB 3.0 वाली केबल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर मिल जाता है अपना मेन हार्ड ड्राइव कुछ इस तरीके से। यहाँ पर है मेरे पास रेड कलर वाला वेरिएंट जो कि रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आता है। इसके अलावा और भी कई सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये वाला पसंद था तो ये वाला मैंने बाय कर लिया। यहाँ पर ऊपर की तरफ टेक्सचर्ड फिनिश दिया हुआ है, रेड वाला जो कलर है यहाँ पर जो पोर्शन है ये मेटल का लगता है, पीछे की तरफ प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का है, फिनिशिंग वगैरह अच्छी है। साथ में आप देख सकते हैं शेप साइज कितना है, फ़ोन है यहाँ पर मेरे पास आईफोन 12, कंपेयर कर सकते हैं थिकनेस वगैरह। बाकी पुरानी वाली जो 1 TB की हार्ड ड्राइव थी मेरे पास सोनी की, तो उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सही है। और वाइट कलर के साथ में काफ़ी सही सा लगता है, बॉक्सी सा डिज़ाइन है। इस तरफ पोर्ट है केबल के जरिए कनेक्ट करने के लिए, और पीछे की तरफ एक स्टिकर है जहाँ पर कि सीगेट की ब्रांडिंग, बैकअप प्लस मॉडल नेम दिया हुआ है बैकअप प्लस पोर्टेबल, और प्रोडक्ट ऑफ चाइना असेंबल्ड इन थाईलैंड यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अपने मैकबुक एयर के साथ में अपना डेटा स्टोर करके सेव करके रखने के लिए, और कुछ इस तरीके से काफ़ी आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एकदम प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी है। और हार्ड ड्राइव के ऊपर सीगेट का लोगो भी है, और एक वाइट कलर की नोटिफिकेशन LED यहाँ पर दी हुई है। और कनेक्ट करते ही यहाँ पर दिख जाता है बैकअप प्लस मतलब के मॉडल नेम, साथ में रेड कलर की हार्ड ड्राइव का आइकन दिख रहा है जो कि काफ़ी सही सी चीज़ है। और जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट वगैरह नहीं करा, डायरेक्टली हार्ड ड्राइव को ओपन कर दिया है, कोई भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल नहीं करा। 4 TB की अवेलेबल स्टोरेज यहाँ पर दिख रही है, XFAT फॉर्मेट है पहले से, जिसकी वजह से मैक में डायरेक्टली ओपन हो चुकी है। 203 MB के अप्रोक्स पजेबल दिखा रहा है, और 65 MB के अप्रोक्स पहले से भरा हुआ है बिकॉज ऑफ यहाँ पर ड्राइवर्स वगैरह मिलते हैं मैक के लिए और विंडोज़ के लिए। और वारंटी इन्फॉर्मेशन वगैरह, वैसे 3 ईयर्स की वारंटी मिलती है इस हार्ड ड्राइव की, और बाय चांस हार्ड ड्राइव सपोर्ट नहीं करती है बैकअप के लिए भी इस हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। बाय चांस अगर डिलीट हो जाए तो सीगेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आपको ये ड्राइवर्स मिल जाएंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह अगर चाहिए बैकअप के लिए। अभी के लिए मैं कुछ फाइल्स को कॉपी करके दिखा देता हूँ हार्ड ड्राइव के अंदर कितना टाइम लगने वाला है राइट स्पीड में। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट की है हार्ड ड्राइव के अंदर 2.43 GB की 2 वीडियो फाइल्स जो हैं 1080p 60 FPS में। और यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसको बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड या कटवर्ट नहीं करा है, सो आपको एक्चुअल टाइम का अंदाजा लग जा रहा है, 16 सेकंड के अप्रॉक्स में फाइल्स पेस्ट हो चुकी हैं यहाँ पर। और अभी के लिए मैं वापस से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इन वीडियोस को अपने मैकबुक में, देख लेते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। तो ये पकड़ा और ये मैंने छोड़ दिया, अभी के लिए यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फाइल्स पहले से हैं। स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर टाइमर, और देख लेते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। तो वापस से यहाँ पर फाइल्स जो है 16 सेकंड के अप्रोक्स में ही वापस से मैकबुक के अंदर आ गई हैं। और अगर आपको नंबर्स वंबर्स में इंटरेस्ट है तो ये रहा एक डिस्क स्पीड टेस्ट, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं राइट स्पीड आपको मिल जाती है अप्रोक्स 135 MBPS के अप्रोक्स, और रीड स्पीड भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम मिलती है 135-139 MBPS तक की,
जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी सही है। तो ओवरऑल मैं समअप करूँ तो HDD वाला एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है जो कि 4 TB कैपेसिटी के साथ में है। उसके हिसाब से यहाँ पर जो साइज है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग मुझे अच्छी लगी, साथ में जो ट्रांसफर रेट है उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। बिकॉज ऑफ मुझे ये मिल गया था फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में करीब 6,200 रुपये के अप्रॉक्स। उस हिसाब से मुझे ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव लगता है। कोई भी पावर सोर्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है, बस सिंगल एक केबल है, इसको कनेक्ट करना है USB 3.0 वाले पोर्ट के जरिए। एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहता है इस हार्ड ड्राइव के साथ में। बाकी आपको किस प्राइस तक बाय करना चाहिए तो मैं बोलूंगा 7,000-7,500 के अप्रोक्स तक भी अगर आपको ये मिल रहा है तो जरूर से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 1 TB का खरीदेंगे 4,000 का आता है, 2 TB का भी आपको मिलेगा 5,000-5,500 रुपए के अप्रोक्स। उससे अच्छा थोड़े से पैसे और खर्च करके आप इसके लिए चले जाएगा, ऑलमोस्ट डबल स्टोरेज हो जाती है इसके अंदर। अगर आप भी मेरी तरह क्रिएटर हैं तो आपको बहुत सारा डेटा वगैरह बैकअप करके रखना होता है, तो जरूर से ये वाला हार्ड ड्राइव आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाला है। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं। और एक SSD भी मैंने बाय किया है जिसका वीडियो आने ही वाला है, सो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका कोई भी और सवाल हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।